आवर एनवायरनमेंट में नेक्स्ट टॉपिक जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट एनवायरनमेंट, किस तरह से हमारी जो एक्टिविटीज है वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन और ह्यूमन इंटरफेरेंस अफेक्ट एनवायरनमेंट एडवर्सली, जो बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन है और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो एनवायरनमेंट को निगेटिव वे में अफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट के डिफरेंट इश्यूज जैसे कि एयर पॉल्यूशन, सोयल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं आपके 9th क्लास के कोर्स में। अभी जो दो एनवायरमेंटल इश्यूज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल या वेस्ट मैनेजमेंट। एक वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में एंड वी विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में। ओजोन डिप्लीशन में आपको कुछ जो चीजें सीखनी है, जो समझनी है वो है, सबसे पहली चीज ओजोन होती क्या है, ओजोन फॉर्म कैसे होती है, ओजोन का काम क्या है, ओजोन लेयर प्रेजेंट कहाँ होती है और किस वजह से ओजोन जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। तो सबसे पहले देखिए ओजोन होती क्या है। ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन की ट्राई एटोमिक फॉर्म होती है, यानी तीन ऑक्सीजन के एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो ओजोन फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं ओजोन, O3। O3 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओजोन फॉर्म कैसे होती है तो देखिए जो यूवी रेडिएशन आती हैं सन से वो ऑक्सीजन के ऊपर एक्ट करती हैं, O2 के ऊपर एक्ट करती हैं और वो O2 को ब्रेक कर देती हैं नेसेंट ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन की एटॉमिक फॉर्म में ब्रेक कर देती हैं। जब ये नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करती है O2 के एक मॉलिक्यूल के साथ तो उससे O3 फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं ओजोन। इस तरीके से ओजोन लेयर जो है वो फॉर्म होती है। अब O3 जो होती है ये अर्थ के सर्फेस के पास डेडली पॉइजनस होती है। ओजोन जो होती है O3 नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इट इज डेडली पॉइजनस, इट इज लीदल टू द हेल्थ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अर्थ के सर्फेस से दूर एटमोस्फेयर का एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन जो होती है ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है, इट फॉर्म्स ए लेयर कॉल्ड ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर प्रेजेंट कहाँ होती है, अर्थ के एटमोस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फेयर रीजन होता है उस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। अब ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है, ओजोन लेयर का काम होता है अर्थ से सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस पे आने से रोकना। द यूवी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन उनको अर्थ सरफेस पे पहुंचने से ओजोन लेयर रोकती है। अब यूवी रेडिएशंस अगर अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाती हैं, अर्थ के सरफेस पे आ जाती हैं तो उनके क्या नुकसान होते हैं, यूवी रेडिएशन जो है वो डिफरेंट टाइप के डिजीज कॉज करती है ह्यूमंस में भी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी। यूवी रेडिएशंस ह्यूमंस के अंदर स्किन कैंसर कॉज करती है और भी डिफरेंट टाइप के कैंसर्स कॉज करती हैं। आईज का एक डिजीज होता है जिसे कैटारैक्ट बोलते हैं, ये भी यूवी रेडिएशंस की वजह से कॉज किया जाता है। डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस भी यूवी रेडिएशंस की वजह से अराइज होती हैं और बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके लार्वा जो है वो यूवी रेडिएशंस के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो लार्वल डेथ भी यूवी रेडिएशंस कॉज करती है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस होती है उस फोटोसिंथेसिस के रेट को भी यूवी रेडिएशंस जो है वो स्लो डाउन कर देती हैं। तो ये यूवी रेडिएशंस के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ओजोन लेयर का काम यही होता है कि सन से आने वाली इन यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक करना, इनको अर्थ के सर्फेस पे पहुंचने से रोकना। अब ओजोन लेयर हमने देखा कि स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में प्रेजेंट होती है और वो हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। अब कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ह्यूमन बींग्स जनरेट करते हैं अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू, वो केमिकल सब्सटेंसेस ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होते हैं। यानी स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है दिस ओजोन लेयर गेट्स डिप्लीटेड बाय सम केमिकल सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इसमें मेनली आते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसे बोलते हैं, इसके अलावा मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो CFC, CCl4 एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। जो आप रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं और फायर एक्सटिंग्यूशर्स यूज करते हैं और आपके हाउस में जो आपके घरों में जो AC एयर कंडीशनर्स होते हैं उन सबके अंदर CFC नाम का केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ये केमिकल सब्सटेंस ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन लेयर की थिनिंग या इसकी डिप्लीशन को
खोज करते हैं। फिर 1987 के अंदर यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, उसने सीएफसी को बैन कर दिया। यानी यूएनईपी ने डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने वाली कंपनीज होती हैं उनको ऑर्डर दिए, उनको एक एक उनको इंफॉर्मेशन जारी की जिनमें उन्होंने बताया कि अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को सीएफसी फ्री बनाना है। और इसके इस स्टेप की वजह से ऐसा देखा गया कि विद टाइम जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन कम हो गया। सबसे पहले 1980 अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल को डिस्कवर किया गया था। ओजोन होल का मतलब है एक ऐसा रीजन स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन लेयर में एक ऐसा रीजन जहां पे ओजोन जो है वो उसकी थिकनेस बहुत कम है। ये 1980 में देखा गया था। अब उसके बाद डिफरेंट टाइम टू टाइम जब ओजोन होल को फिर से चेक किया गया तो ऐसा देखा गया कि ओजोन होल जो है वो रिकवर हो रहा है, वो हील हो रहा है। उसकी वजह ये थी कि यूएनईपी ने जो सीएफसी को बैन किया था उसकी वजह से ओजोन जो है वो उसका डिप्लीशन कम हो गया था। तो ये मैंने ओजोन डिप्लीशन के बारे में बताया इस टॉपिक में आपको, ओजोन क्या होती है, ओजोन कैसे फॉर्म होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट कहाँ है, ओजोन का फंक्शन क्या होता है ओजोन लेयर का, ओजोन डिप्लीशन किस वजह से होती है, कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन डिप्लीशन कॉज करते हैं, और इसके अलावा मैंने ओजोन होल के बारे में आपको बताया।